तीनों दोष हमें पांचों तत्व ले रहे हैं, तीनों दोष ले रहे हैं, इन तत्वों की भी घटती बढ़ती मात्रा रहती है। किसी में अग्नि तत्व ज्यादा होगा, अग्रेसिव मिला ज्यादा, गुस्सा क्रोध पसीना गर्मी, किसी में आकाश तत्व ज्यादा होगा, आकाश तत्व वाला आदमी बड़ा शांत स्वभाव का संत नेचर का होगा, उसमें वैसे ही नेचुरल अट्रैक्शन होगी आकाश तत्व वाला। जल तत्व वाला थोड़ा सा लेजी सा मिलेगा, और पृथ्वी तत्व वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग सीधर मिलेगा। जैसे ये जो निग्रोज है ना, हमने पृथ्वी तत्व सबसे ज्यादा ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज्यादा मजबूत होते हैं। तो ये अलग अलग तत्वों की अलग अलग क्वालिटी है। तो हम जो बेसिक बात कर रहे हैं वात पित्त कफ के बारे में, तो वात पित्त कफ का हमें बेसिक बात में आपको बताता हूँ, वात प्रकोपित कब होगा, वायु प्रकोपित होगा या तो ओल्ड एज में, 50 के बाद 40 के बाद आप देखेंगे पैरालिसिस आते हैं, सबसे ज्यादा दर्द मरता है, जोड़ों का दर्द 50 के बाद शुरू होता है, कमर दर्द सर्वाइकल ये सारे 50 के बाद शुरू होते हैं। तो अब वो ओल्ड एज में वायु नेचुरल रूप से प्रकोपित होती है, और दिन में शाम को, मतलब द एंड फेज वात का है, लास्ट का फेज बुढ़ापा वात का है, दिन का लास्ट शाम को वात का है। अगर शाम को आप कहते पेशेंट आपको कहेगा भाई हम तो ठीक है, उनको शाम में दर्द शुरू होती है, शाम को कमर दुखने लग जाती है, शाम को गर्दन में दर्द हो जाता है, शाम को, तो इसका मतलब वायु उसको अग्रेसिव कर रही है, और बुढ़ापे में नेचुरल। अब वात का हो गया तो इसका समन क्या करें, आयुर्वेद कहता है वात की सबसे बढ़िया चिकित्सा है तेल, तिल का तेल सबसे श्रेष्ठ बताया है आयुर्वेद कि वात के समन करने के लिए तिल का तेल खाना चाहिए। इसलिए बुढ़ापा में तो जरूर बूढ़े लोगों को तिल भुटा या तिल का तेल, तिल भुजा, और अपने सर्दियों में एक आदत थी हरियाणा पास का तिल भुटा खाए थे रोज शाम, शाम को ही खाते थे तिल भुटा, सुबह नहीं खाते थे, शाम को खाते, वो वात का समन करने के लिए खाते, या फिर अपना सामन का भी नया वात प्रकोपित होता है। किसमें नहीं प्रकोपित होगा वात, वर्षा ऋतु बरसात में, बरसात में देखा के कह रहे थे गुलगुले सुहाड़ी पूरे राम हर्ष के रहते मैं पूरे बोल रहा तो सामा में ये काम था क्यों बोल रहे गर्मी पड़ रही होती कदे नहीं गया ज्यादा गर्मी हो पूरे बोल कोई नहीं गया बरसात होती कहते पोथली देने का सिस्टम है अपने एरिया में एक रिवाज है पोथली दे रहे थे गुलगुले सुहाड़ी अभी तेल में ताकि वो तेल डाले वात जो का प्रकोपित हो रहा है रिश्तेदार का भी वात प्रकोपित ना हो और तुम्हारा भी ठीक है क्योंकि रिश्तेदार बीमार रहोगे तो आप भी बीमार रहोगे। तो ये बड़ा ट्रेंड था लॉजिक था इन चीजों के पीछे जो पोथली देने का सिस्टम है। तो ये आप मार्केट की चीजें लेके जाते हैं तो ये मैंने आपको बेसिक बात बता दी। वात प्रकोपित होगा वर्षा ऋतु में बरसात के टाइम जुलाई अगस्त, मतलब आप देख लीजिए बरसात जब भी शुरू हो गया बूढ़े जो जिनके वायु की दिक्कत है ना राम प्रश्न का दो दिन पहले बता देंगे आपको बूढ़े तो कोरोना के 15 दिन पड़ गया इसका मतलब बरसात आ गई एक दिन पहले बता देता हूँ हमको 24 घंटे पहले उनका सही बता देता हूँ। तो ये वात के रोग हैं वर्षा ऋतु में प्रकोपित होंगे, ओल्ड एज में प्रकोपित होंगे, बुढ़ापन में। अब कफ, कफ की दिक्कत कब होती है, बच्चे देखे ना छोटे बच्चे बचपन कफ का काल है और सुबह ग्रोथ, जब तक कफ नहीं होगा शरीर में ग्रोथ नहीं होगी अच्छे तरीके, तो इसीलिए बच्चों में कफ स्वभाव से ज्यादा रहता है वो अच्छी ग्रोथ करते हैं जल्दी बढ़ते हैं। तो ये कफ को आपने समझ लेना अर्ली इन द मॉर्निंग पेशेंट के सिम्टम्स क्या रहेंगे, सवेरे सवेरे खांसी होना बुरा हाल होता है, सवेरे सवेरे नजला जुकाम इतनी दिक्कत होती है, दोपहर बाद सुबह ठीक हो जाएगा, तो इसका मतलब कफ भी उसका सुबह सुबह ही रहेगा वो, और यह बचपन में रहेगा। जैसे बच्चों को किसी को सांस की दिक्कत है, दमे की दिक्कत है, कफ की दिक्कत है बचपन में, जैसे वो जवान होगा पित्त अवस्था में आएगा मध्य अवस्था में आओ ठीक हो जाएगा नेचुरल रूप से ठीक हो जाएगी क्योंकि बॉडी ने ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड कर रहा है वो। तो आपके समझ में आ गई मैं कफ कब है बचपन में और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सवेरे का काम काल काल है जो कफ का काल है और शाम का लास्ट फेज है वात का। अब मध्य में रह गया तो मध्य में अपनी जिंदगी का मध्य क्या रहेगी जवानी, जवानी में रहती है पित्त गर्मी उत्साह जोश, इसीलिए जब जवान होता है ना आदमी पूरा उत्साह में होता है पूरा जोश में होता है या बचपन में रहता है। तो ये इसमें क्या, इसमें डिसऑर्डर्स क्या रहेंगे, स्किन डिजीज, पिंपल्स, जैसे प्यूबर्टी आती है, एज चेंज होती है, बच्चे में फुंसी लगने में जवानी फूटेगी।
पित्त का काम आएगा, पित्त प्रभु की तोड़ेगी। तो पित्त आएगी तो उसमें जोश आएगा, उत्साह आएगा, पूरा काम धंधा करने को भी उसका दिल करेगा, ऐसी चीजें की इसमें शय भी जो रहती है। तो ये मध्य काल आप लोग ज्यादा कम देखते और पित्त कब जवानी में, बचपन में कफ, जवानी में पित्त और बुढ़ापे में वात। अब एक 70 साल का पेशेंट आया, 80 साल का पेशेंट आया, नेचुरल रूप से समझ लो कि इसको वात का दोष तो होगा ही, की उम्र है, बच्चा आया छोटा सा आपके पास 5 साल का, 7 साल का या 2 साल का, आप नेचुरल उसे समझे कफ की व्यधि तो रहेगी। जवान लड़का है, नौजवान साथी आपके सामने है, तो आपको नेचुरल रूप से समझ लेना चाहिए कि इसको पित्त तो मिलेगा ही, युवा अवस्था।